हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इन कलर्स। दिस इज़ रीना। आज हम आपके लिए वेस्ट मटेरियल से सुंदर सा कैंडल स्टैंड बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए और एक प्लास्टिक का वेस्ट कंटेनर चाहिए। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड की शेप का कंटेनर को कट कर लेंगे। चाकू को आप गर्म कर लीजिएगा, उससे ईजिली वो कट हो जाएगा। कट करने के बाद हम उस कार्डबोर्ड को कंटेनर के अंदर इंसर्ट करेंगे। देन हम वॉल पुट्टी पेस्ट के हेल्प से उसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे ताकि वो हिले ना। इसके बाद हम लोग ऑल फिक्स की हेल्प से कंटेनर का जो टॉप था उसको कार्डबोर्ड के टॉप पर प्लेस करेंगे, अच्छे से उसको फिक्स कर देंगे। देखिए ड्राई होने के बाद कितना अच्छा हो गया, वो हिल भी नहीं रहा। उसके बाद हम फेविकोल प्लस वाटर का एक घोल बनाएंगे और उसको कार्डबोर्ड रोल पर लगाएंगे। उस पर लगाने के बाद हम उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर, नैपकिन पेपर, जो भी आप बोलते हैं, उसको चिपकाएंगे एंड देन उसके ऊपर अगेन उस घोल को लगाएंगे। इससे क्या होगा, उस पर वो चिपक जाएगा और उसको उस पर एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। सेम प्रोसेस हम उसके टॉप पर भी करेंगे। टिश्यू पेपर रखेंगे, उससे घोल को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और वो सूखने के बाद, देखिए ड्राई होने के बाद ऐसा लगेगा, कितना अच्छा बन गया है ना। उसके बाद मैंने इस पर ग्रीन एक्रिलिक कलर अप्लाई किया है पूरे पर। इसको अच्छे से कर लेंगे हम अप्लाई। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इसके बाद मैंने स्पॉन्ज की हेल्प से गोल्डन मेटैलिक कलर इसके ऊपर अप्लाई किया। मेरे पास लास्ट ईयर की एक वो लटकन पड़ी हुई थी, रखी हुई थी गोल्डन कलर की, मैंने इसी का ही यूज़ किया। ऑल फिक्स के हेल्प से मैंने इसके टॉप पर उस लटकन को लगा दिया। ऐसे ही मैंने उसके बॉटम पर भी लगाया। देखिए हमारा सुंदर सा प्यारा सा कैंडल स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर। अब आप ही बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉच।